Good morning students. Today we'll be studying English subject for class 5. We'll be studying lesson number 4 and the name of the lesson is Love That Chocolate. मतलब जो चॉकलेट हमें पसंद है. तो आओ हम स्टार्टर किट से स्टार्ट करते हैं. तो क्या लिखा है यहाँ पे? All children love to eat candies. What is your favorite candy? Work with your partners in the group and make a list of the different candies you and others in your group love to eat. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो जो चॉकलेट के नेम्स पसंद है वो नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं और वही चीज़ आपको आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर्स मतलब आपके जो भी घर पे हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना है एंड आपको उसके नेम्स लिखने हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. मैं एक एक सेंटेंस रीड करूँगा एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ऑफन चिल्ड्रन टर्न अप देयर नोज फ्रॉम मिल्क. बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दूध देखते ही अपना मुँह घुमा लेते हैं कि मैं दूध नहीं पीऊँगा. But drop a spoonful of powdered chocolate into their milk. They will snatch the glass from your hand and gulp it down at once. पर उसी ग्लास के दूध में आप एक चम्मच पाउडर का चॉकलेट डाल दो तो बच्चे आपके हाथ से स्नैच कर लेंगे, मतलब खींच लेंगे ग्लास को, एंड गल्प इट डाउन मतलब एक ही बार में उसको वो लोग फटाक से पी जाएंगे. द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दे वुड लव टू हैव इज़ अ बॉक्स ऑफ कैंडीज और चॉकलेट बार. बच्चों को सबसे अच्छी लगती है चॉकलेट एंड उनके बर्थडे पे अगर किसी ने उनको चॉकलेट का एक बॉक्स दे दिया तो इससे बड़ी खुशी बच्चों के लिए नहीं हो सकती. नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन ग्रोन अप्स लव दैट चॉकलेट फॉर इट्स माउथ वाटरिंग एरोमा. मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ना कि बच्चों को, बड़ों को भी चॉकलेट बहुत पसंद आती है फॉर इट्स माउथ वाटरिंग एरोमा. एरोमा का मतलब होता है खुशबू. चॉकलेट में से जो खुशबू आती है ना, इस वजह से बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी चॉकलेट बहुत पसंद है. नाउ वेयर डज ऑल दिस चॉकलेट कम फ्रॉम, मीनिंग ये चॉकलेट आखिर में आती कहाँ से है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. द चॉकलेट क्रॉप. सो चॉकलेट कम फ्रॉम द ककाओ ट्री विच इज ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स. तो चॉकलेट एक पेड़ से आता है जिसका नाम है ककाओ, CACAO. उसको हम रीड करते हैं ककाओ ट्री विच इज ग्रोन इन द ट्रॉपिक्स. तो ट्रॉपिक्स का मतलब कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ पे जो इक्वेटर की लाइन है ना उससे 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे के पार्ट में ये चॉकलेट क्रॉप को ग्रो किया जाता है. इट इज़ ग्रोन बेस्ट इन द कोस्टल लैंड्स. कोस्टल का मतलब होता है समुद्र का किनारा. तो चॉकलेट्स यूजली जो होती हैं वो समुद्र के किनारे के पास उगाई जाती है, मतलब ग्रो की जाती है. The chief producing areas are West Africa, the West Indies and South America. तो चॉकलेट usually ज़्यादातर कहाँ पर ग्रो की जाती है? West Africa, West Indies and South America. More than half of the world's cocoa comes from West Africa. अधिकतर जो ये कोको आती है, जो चॉकलेट आती है वो आती है West Africa से. The trees are grown from seeds and have to be raised carefully as they are very delicate. तो जो पेड़ होते हैं ना चॉकलेट के, वो क्या है, जो सीड्स होती हैं, जो बीज होती हैं उनमें से उसको उगाई जाती है और ये बहुत ही डेलिकेट होती है. डेलिकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाजुक. जैसे कांच कैसा होता है, अगर ज़रा सा भी गिरेगा तो टूट जाएगा, तो ये जो चॉकलेट का जो ट्री होता है ना ककाओ ट्री, ये भी बहुत डेलिकेट होता है. इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. वेन यंग मतलब ये जब ट्री एकदम छोटे रहते हैं, दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट सन एंड विंड. तो जब ये पेड़ छोटे रहते हैं तो आपको इनको सन मतलब सूरज से और हवा से बचाना पड़ता है. दे आर प्रोवाइडेड द शेड ऑफ अदर ट्रीज विच ऑल्सो एक्ट एज विंड ब्रेक. तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ये ट्री, जब ककाओ ट्री को लगाया जाता है ना, तो इनको बड़े बड़े ट्री के बीच में लगाया जाता है. इससे क्या होगा, एक तो वो पेड़ इनको छाया देंगे और दूसरा जब बहुत तेज़ हवा आएगी तो वो बड़े बड़े पेड़ क्या करेंगे, विंड को ब्रेक कर देंगे, मतलब वो लोग हवा को तोड़ देंगे. नेक्स्ट, ककाओ ट्रीज डू नॉट बेयर द फुल क्रॉप अनटिल दे आर अबाउट 12 to 15 ईयर्स ओल्ड. तो ये जो ककाओ ट्री होता है ना स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत जल्दी चॉकलेट्स नहीं आती हैं, इनको बड़ा होने में लगभग 12 से 15 साल लग जाते हैं. वेन ग्रोन ऑन प्लांटेशन दे आर प्रून टू 25 feet. वेन ग्रोन ऑन प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे ककाओ ट्री ग्रो किए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, दे आर प्रून टू 25 feet. दे आर प्रून टू 25 मतलब
जब भी वो पेड़, जब भी वो ककाउ ट्री 25 फीट के होते हैं, 25 फीट के होते हैं, उनको काट दिया जाता है। इन द वाइल्ड दे कैन ग्रो टू 50 फीट एंड लिव अबाउट 60 ईयर्स। मतलब जंगल में जहाँ पे कोई इन ककाउ ट्री का ध्यान रखने वाला नहीं होता है, वहाँ पे ये पेड़ लगभग 50 फीट 50 फीट तक बड़े हो जाते हैं एंड वो 60 ईयर्स 60 साल तक वो ट्रीज जिंदा रह सकते हैं। बट जहाँ पे प्लांटेशन होता है, मतलब जहाँ पे चॉकलेट्स को ग्रो किया जाता है, जहाँ पे उनका देखभाल किया जाता है, वहाँ पे जैसे ही ये 25 फीट्स के होते हैं ना काकाओ ट्री, उनको प्रून कर दिया जाता है। प्रून का मीनिंग जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अ फीचर ऑफ द ट्री इज दैट द फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक एंड नॉट ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। एक स्पेशल क्वालिटी ये काकाओ ट्री की ये है कि इसके जो फूल होते हैं ना, वो पेड़ की ट्रंक पे ग्रो होते हैं। मतलब जो उसकी मेन डाली होती है, मेन उसके ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे देखो आप ये फोटो में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ट्री है, देखो ट्री नीचे लगाया है और ये सब देखो उसकी जो ट्रंक है उसके ऊपर ही इसकी लीव्स आना चालू हो जाती है। इसका जो फ्लावर रहता है वो उसके ऊपर ही आता है। नॉर्मली कैसा होता है स्टूडेंट, जो लीव्स होती है ना उसके आसपास नॉर्मली बाकी सभी ट्रीज पे, वहाँ पे फ्लावर्स निकलते हैं, बट ककाउ ट्री पे जो फ्लावर्स निकलते हैं वो उसकी ट्रंक पे ही निकल आते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब ये जो फूल होते हैं ककाउ ट्री के, ये पूरे साल भर उगते ही रहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द फ्रूट इज रेड, लार्ज रेडिश ब्राउन पॉड्स हैंग ऑल ओवर द ट्री। जब ये फ्रूट पक्के हो जाते हैं, मतलब जब वो खाने के लायक हो जाते हैं या जब वो रेडी हो जाते हैं, लार्ज रेडिश ब्राउन पॉड्स हैंग ऑल ओवर द ट्री। तो देखो जैसे आप पिक्चर में देख सको, जब ये पक गया है ना, तो ऐसा ये पॉड्स जो होता है, पॉड्स का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर है, उसके आउटर की जो कवरिंग है उसको आप बोल सकते हो पॉड। तो देखो ये पॉड है ना, पेड़ के सभी जगह पे निकलने लगते हैं। नेक्स्ट, इट टेक्स अबाउट 6 months फॉर द पॉड्स टू रिपन। एक बार जब वो पॉड हो जाता है ना, तो उसको पकने में 6 महीने लगते हैं। द रिप पॉड्स आर 6 to 10 inches लॉन्ग। ये जो पॉड आपको फोटो में दिख रहा है, ये 6 to 10 inch 6 to 10 inch लंबे हो सकते हैं। ईच पॉड कंटेन 20 to 40 beans दैट आर अबाउट द साइज ऑफ almond। अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखो ये हमारा है ना पॉड है, तो जैसे ये पॉड एक बार जब होता है तो उस पॉड को पकने में 6 महीने लगते हैं। और ये पॉड के अंदर है ना स्टूडेंट्स, देखो जैसे मैंने ये पॉड को यहाँ पे ओपन किया, आपको फोटो दिखा रहा है, तो ये पॉड के अंदर 20 से 40 सीड्स रहते हैं, मतलब बीज रहते हैं। और आगे का प्रोसेस हम पहले पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। देर आर यूजली 2 harvests ड्यूरिंग द ईयर, 1 large and 1 small। मतलब इसकी खेती 2 बार की जाती है, एक बड़ी खेती की जाती है एंड एक छोटी। द पॉड्स आर हार्वेस्टेड वेन दे राइप, मतलब इन पॉड्स को कट तब किया जाता है जब वो पके हों। द पिकर, अब देखो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आपको इस पैराग्राफ में समझाया जा रहा है। द पिकर यूजेज अ शार्प नाइफ टू कट द राइप पॉड्स फ्रॉम द ट्रीज। पिकर मतलब जो आता है इनको पिक करने के लिए, मतलब जब वो पेड़ पे रहते हैं ना, तो जो उनको निकालता है पेड़ में से उसे हम कहते हैं पिकर। तो पिकर क्या करता है, एक शार्प नाइफ, शार्प मतलब एकदम धारदार, जो एकदम तेज चाकू होती है, तो उससे वो पॉड को ट्री में से कट करता है। द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स एंड आर देन स्लिट ओपन इन ऑर्डर टू रिमूव द बीन्स। तो वो पिकर क्या करता है, पहले सभी पॉड्स को एक जगह पे एक ढेर में इकट्ठा करता है और बाद में उसको ऐसे स्लिट करता है, स्लिट मतलब उसको ऐसे कट करके ओपन करता है ताकि वो उसके अंदर से बीन्स, मतलब वो बीए को निकाल सके। एट दिस स्टेज, मतलब ये स्टेज पे द बीन्स आर कवर्ड विद अ थिक वाइट पल्प। इस स्टेज में क्या होता है, जो बीन्स रहती है ना वो वाइट पल्प से कवर रहती है। दे डोंट हैव द सेम माउथ वाटरिंग फ्लेवर यू डिस्कवर व्हेन यू बाइट इनटू अ चॉकलेट कुकी। तो इस स्टेज पे जैसे आप ये मत सोचना कि हाँ पॉड को अब मैंने तोड़ दिया, अब अंदर की जो बीन्स है मैं उसको खाऊंगा तो सेम चॉकलेट का टेस्ट आएगा, नहीं। अभी इसको बहुत सारे प्रोसेस से पास होना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज नीडेड टू गेट दैट मार्वलस चॉकलेट टेस्ट। वो तो वो चॉकलेट का टेस्ट पाने के लिए
अभी ये पॉड को, अभी ये सीड्स को बहुत सारे प्रोसेस से पास होना है, और वो प्रोसेस क्या क्या है वो हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।